गल करांगे गन्ना किसानां दी जिन्हां वल्लों जलंधर दे विच धरना प्रदर्शन जारी है ते रेला रोको भी प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिता। अज दूसरे दिन भी इस प्रदर्शन दे डटे होए ने। इसे दे उत्ते आप MLA कुलतार सिंह संधवा ने कैप्टन सरकार ते तंज कसे ने। सुनो की कुछ कहा। आम आदमी पार्टी हमेशा इस विचारती रही है कि देश का तुरा किसान ने, अगर किसानों का शोषण करोगे तो यह मतलब देश का शोषण कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी पंजाब सरकार है ये भी गन्ना के जोड़े किसान है उन्होंने बकाया नहीं दे रही। जिड़िया तो प्राइवेट मिलों ने सत्त उन्होंने 70% जो काम है गन्ने का उन्होंने जो 9 सरकारी मिलों उन्होंने 30% काम है। इहदा कारण सिर्फ यह है भी जिन्नियां भी गवर्निंग बॉडीज बनाईआं उहदे विच कारपोरेट जिहड़े हैगे ने उहनां नूं नुमाइंदगी दित्ती गई है। नुमाइंदगी देनी पैंदी है गन्ना किसानां नूं साडीआं जथेबंदियां दे आगूआं नूं तां कि प्रॉपरली ठीक होवे। और साडी मंग 10-15 रुपये नहीं, सानूं 400 रुपये क्विंटल दे जिहड़ी साडी मंग आ उह मंग दित्ती जावे। और जलंधर दे विच जिहड़ा धरना लग्गिआ आम आदमी पार्टी उहदा पूर्ण तौर ते समर्थन करदी। पंजाब कांग्रेस कमेटी के मुखी नवजोत सिद्धू पंजाब विच विकास के वड्डे वड्डे वादे कर रहे हैं पर उन्हां दी अपनी ही कलोनी के लोग विकास ना होण कारण विरोध कर रहे हैं। दस दिए कि कलोनी होली सिटी वासी अपने हत्थां विच काले झंडे लैके प्रशासन अते कलोनी संगठन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरां ने अमृतसर दीआं जिथे होली सिटी के लोग ही जिथे नवजोत सिद्धू का घर है उन्होंने ही हलका बंदा है शायद तो उन्होंने ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिते नवजोत सिद्धू वालों वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं पंजाब दे विच विकास कार्य करवाउंदे पर अपने ही इलाके दे विच विकास कार्य ना होने के चलते लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीते रात तस्वीर ने अमृतसर दिया जिते ओली सिटी वासी हत्थां दे विच वड्डे झंडे रोस से लैके कैंडल मार्च करते जिन्हें छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं वो खुद उन्होंने खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। कल में छो